पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी अनसस्टेनेबिलिटी ऐसे वो हमारे पास पाकिस्तान में हेडविंग्स हैं जो कि पाकिस्तान के पोटेंशियल को अरेस्ट करते हैं फ्राम एक्सप्लॉइटिंग द एन एम एस रिसोर्स और एन एम एस पोटेंशियल ऑफ इट्स ब्लू इकोनॉमी अब अगर फर्दर प्रोस्पेक्ट्स की स्पेसिफिकली बात कर लें तो पाकिस्तान के पास ऐसे पोर्ट्स हैं एग्जिस्ट करते हैं पोर्ट्स या पाकिस्तान के पास पोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इन आर टू टू द पोटेंशियल ऑफ ब्लू अकानमी जैसे पोर्ट्स के ऊपर हमने बात की थी कि हमारे पास थ्री पोर्ट्स हैं जो कि नोटेबल है कराची क्रा, पोर्ट है बिन कासिम पोर्ट है इन गवादर पोर्ट है यानी कि ब्लू अकानमी से मैक्सिमम बेनिफिट एक्वायर करने के लिए किसी भी नेशन के पास पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का होना मस्ट है जो कि पाकिस्तान के पास इस टाइम अवेलेबल है तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास ऐसे प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं कि वो ब्लू अकानमी के पोटेंशियल को टैप प्रॉपरली करें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक माइट फ्रॉम मेरीटाइम सोर्सेस सोर्सेज यानी पोर्ट्स के बारे में कहते हैं कहा जाता है कि दीज आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम मेरीटाइम इकोनॉमी आर ब्लू इकोनॉमी सेकेंड प्रोवाइड यानी पोर्ट्स प्रोवाइड स्टेट विद एबिलिटी टू गेट अ लोकेलिटी वे शिप्स कैन बी डॉक्ड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो इज मैनेज जैसे कि हमारे पोर्ट्स जो पाकिस्तान में पोर्ट्स हैं वहाँ पे शिप डॉकिंग होती है बाहर से जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हमारे बाहर से आ रहे होते हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस सारा होता है आप लोगों को पता है तो इस वजह से हम पोर्ट्स के बारे में कहते हैं कि दीज आर दी ड्राइवर्स एंड लाइफ लाइन ऑफ ब्लू इकोनॉमी फिर आगे शिपिंग है जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भी शिप बिल्डिंग एंड शिप ब्रेकिंग का काम पाकिस्तान में होता है और ये दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है ब्लू इकोनॉमी का जो कि पाकिस्तान के डिस्पोजल पर अवेलेबल है कि पाकिस्तान के पास ऐसे पाकिस्तान के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर शिप बिल्डिंग का काम होता है तो यहाँ पे मेंशन किया है कि देर इज़ एन एम एस फॉर शिपिंग पाकिस्तान बट ओनली वन तो फ्लैग कैरियर अब पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो कि शिप मेकिंग का काम करती है तो यहां पे लिखा है ओनली वन फ्लैग कैरियर कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान सच टेट पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन यानी बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक अगर हम देख लें जहां पर शिप मेकिंग का काम होता है वहां पर बहुत सारी कंपनी साइमल्टेनियसली शिप मेकिंग का काम करती हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेट इशू ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि शिप मेकिंग का काम करती है अब अगर PNSC की बात करें यानी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की बात कंपनी के पास टोटल 11 वेसल्स हैं जो कि एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का काम करते हैं यानी कि कमोडिटीज़ हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेसल्स अलेवन हैं जो कि लेस सुफिशेंट हैं फिर आगे है लेस वेसल्स अगर होंगे तो हमारा डिपेंडेंस होगा फॉर एक्सटर्नल वेसल्स यानी कि हमें जो कि पता है कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स इन फ्यूचर अगर बढ़ जाती हैं ब्रॉडन हम करते हैं एक्सपोर्ट बेस को तो उस केस में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेसल्स चाहिए होंगे टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर प्रोडक्ट्स लेकिन इस टाइम हमारे पास इनसुफिशेंट वेसल्स होने की वजह से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए हमें हमारा रिलायंस है ऑन द वेसल्स प्रोवाइडेड आर बीन प्रोड्यूसड बाई अदर नेशंस जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी हम पे करते हैं या हमें पे करना पड़ता है तो इस वजह से हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो फर्दर एक्सा सर्वेट होती है तो इस वजह से पे हमने कनेक्शन बनाया है कि लेस वे होंगे तो डिपेंडेंस हमारा ज्यादा होगा ऑन एक्सटर्नल वेसल कंपनीज फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से फ्रे बिल्स जो है ना पर ईयर जो हम पे करते हैं आजकल फोर टू फाइव बिलियन डॉलर हम पे करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक्सचेकर है या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जो इशू है वो फर्दर एक्सा होता है इसी कॉन्टेक्स में एक यहाँ पे हमने कोटेशन मैंशन किया है कि देनेवल फ्रे बिल ऑफ पाकिस्तान एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डिवलपमेंट इज एस्टिमेटेड टू फोर टू फाइव बिलियन अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेसल ज्यादा होते तो हम ये जो फोर टू फाइव बिलियन यू एस डॉलर्स पे कर रहे हैं फ्रे बिल्स की फॉर्म में तो वो हम पे ना करते अगर ये पैसे या ये जो जो आउटफ्लो है इसको हम सिक्योर करते तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जो इशू है वो काफी हद तक उसको कंट्रोलेबल होता तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी या प्रोस्पेक्ट तो है शिपिंग का लेकिन लिमिटेड है जिसको पाकिस्तान को चाहिए कि उसको फर्दर इस एरिया को शिप मेकिंग के काम को डाइवर्सिफाई पाकिस्तान करे ताकि मैक्सिमम वेसल्स होंगे तो हम बाकी नेशंस के लिए भी अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे थर्ड जो तीसरा कंपोनेंट और थर्ड प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के पास अवेलेबल है वो फिशरीज एंड सी फूड है फूड के बारे में कहा जाता है कि दे आर की कंपोनेंट्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ पाकिस्तान में अगर फिश इंडस्ट्री की बात जैसे स्टेटिस्टिकल जो डेटा है वो हाईलाइटेड in फॉर्म में फिश इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज वैल्यूडेड टू बिलियन एंड हैज्रिएटेड हंड्रेड वन पॉइंट एट मिलियन जॉब्स पाकिस्तान में फिश इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है लेकिन यह एक हमारे पास प्रोस्पेक्ट है लेकिन साथ ही साथ चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में जो फिशिंग का जो प्रैक्टिस है या फिशिंग की जो प्रैक्टिस हैं वो ऑब्सलीट हैं यानी ऐसे हमारे पास हमारी प्रैक्टिस ऐसी हैं जो हमारे फिशरी से रिलेटेड जो फिशिंग करते हैं उनकी जो प्रैक्टिस हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है जिसकी वजह से हम इस सेक्टर को यानी फिशिंग के सेक्टर को एक लाइबिलिटी बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ एन एसेट तो ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में अदरवाइज पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है यानी फिश इंडस्ट्री का जो जैसे यहाँ मैंशन है वन पॉइंट टू बिलियन जो है ना इसकी वैल्यूड है लेकिन हमारी प्रैक्टिस की वजह से हम वन पॉइंट टू बिलियन एक्वायर नहीं कर रहे फिर मैंशन किया है पाकिस्तान इज एक्सपोर्टर ऑफ फिश टू मैनी यूरोपियन स्टेट्स एज वेल एज की एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड टू चाइना बट ड्यू टू पुअर टेक्निक जैसे पहले बात करा था इट जनरेट्स लेस रेवन्यू बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ द सी फूड क्योंकि हमारे पास जो एसोसिएटेड लेबर फोर्स है इस सेक्टर में स्किल्ड नहीं है टेक्निकली वो उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती उनको सही प्रॉपरली नहीं पता कि किस चीज़ को कैसे हमने एक्वायर करना है पैकेजिंग कैसे करना है एंड सो ऑन तो जिसकी वजह से पाकिस्तान डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल पाकिस्तान उस पोटेंशियल को प्रॉपरली टेप नहीं कर पा रहा नेक्स्ट फिशरीज डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट ओनली जीरो पॉइंट फोर परसेंट टू जी डी पी यानी कि जो फिशरी डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान का जो ऊपर हमने मैंशन किया पोटेंशियल उसका ओरिजिनल जो वैल्यूड है वो 1.2 बिलियन है लेकिन जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं इस डिपार्टमेंट की टू जी डी पी तो जस्ट 0.4 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है फाइनली पाकिस्तान शुड इन्हेंस इट्स एक्सपोर्ट्स इन सीफ प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज इट्स शेयर इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स अगर पाकिस्तान को यहाँ पे कंपेयर करें बांग्लादेश इन इंडिया के साथ तो पाकिस्तान बहुत पीछे है बांग्लादेश इन इंडिया में फिशरीज का जो पूरा फिनोमिनन या पूरा जो प्रोसीजर है या पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं फिशिंग इंडस्ट्री से फोर्थ मेरी टाइम टूरिज़म पाकिस्तान जैसे पहले बात की एक कोस्टल स्टेट है पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स यानी पिकनिक स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकता है और टूरिज्म का जो मेरी मेरी टाइम टूरिज़म का जो एक कंसेप्शन है पाकिस्तान उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स एक्वायर कर सकता है तो यहाँ पर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल Contribution from the tourism sector in global GDP has amounted to ten point four percent, and there are ten percent of global employment opportunities associated with this sector. Yani global jo world travel and tourism industry ke baare, okay, according to maritime tourism house certain statistical data. Ye. In Pakistan's case, it is contributing three, only three point three percent to country GDP. जबकि ओरिजिनल जो पोटेंशियल बताया जाता है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो टू मेरी टाइम टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है टू जी डी पी वो ओनली थ्री पॉइंट थ्री परसेंट है नेक्स्ट सर्टन अगर हम देख लें कि ऐसे कौन से एरिया से जो जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं उनमें सर्टन जो है हिंगोल नेशनल पार्क है मट वॉलकैनोस है बीच लेगूंस हैं बीच स्पोर्ट्स क्रूज शिप्स हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल यानी ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज या प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल है जिनसे हम बहुत सारा यानी कंसिडरेबल हम रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हैं अगर इस इस सेक्टर को प्रॉपरली हम चैनलाइज एंड प्रॉपरली मोबिलाइज करते हैं नेक्स्ट शिप ब्रेकिंग ये फिफ्थ कंपोनेंट है जो पाकिस्तान के पास एक प्रोस्पेक्ट अवेलेबल है एंड इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लू अकोनमी शिप ब्रेकिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शिप्स को पुरानी शिप्स को रिसाइकिल करते हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं शिप मेकिंग में तो पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो पाकिस्तान लीडिंग कंट्री इन दिस सेक्टर ऑफ्टर इंडिया एंड बांग्लादेश यानी पाकिस्तान इस सेक्टर में भी इंडिया एंड बांग्लादेश के बाद यहाँ पे लीडिंग कंट्री है जैसे पहले बात की शिप ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है वहां से हम रॉ मटीरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या कर सकते हैं फॉर मेकिंग न्यू शिप्स तो पाकिस्तान भी इस सेक्टर ये ये जो प्रोस्पेक्ट है वो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है लेकिन हमें ज़रूरत यह है कि हम शिप बिल्डिंग का काम या शिप मेकिंग का काम यहाँ पे हम डाइवर्सिफाई करें जो कंपनीज हैं क्योंकि हमने ऊपर बात की है सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो कि मेकिंग का काम करती है हमारे पास डिफरेंट कंपनीज होंगे तो एक कंपेरिटिव इन्वामेंट क्रिएट होगा मैक्सिमम हमारे पास ऐसी हमारे पास अपर्चुनिटीज अवेलेबल हों जिनसे ना सिर्फ हम पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वैसल के लिए ना सिर्फ उस, उसको मीट करें बल्कि हम शिप्स बना के उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान इस एरिया को प्रायोरिटाइज करें तो फाइनली वाटर स्पोर्ट्स बैकबोन ऑफ मेरी टाइम्स टूरिज्म फॉर मैनी मेरी टाइम स्टेट्स इट इन बोस डाइविंग अब पाकिस्तान के पास भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे अपरचुनिटीज अवेलेबल हैं चूंकि हम कोस्टल या वैसल स्टेट हैं कोस्टल स्टेट या लिटोरल स्टेट वैसल स्टेट नहीं it involves diving support, swimming scuba diving fishing pakistan is yet to take a substantive and commendable initiative for this sector's promotion and a opportunity or prospect pakistan gapas available hellakin due to lack of political will and presence of political instability in the country we are not in a position to exploit the in so for untapped opportunities to use certain pakistan gapas प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको अगर प्रायोरिटाइज मोबलाइज करते हैं तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इल्स हैं उनको हम टाइमली एड्रेस कर सकते हैं अब चे, अगर चैलेंजेस की बात करें कि क्या चैलेंजेस हैं एसोसिएटेड पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड तो जैसे तो आप लोगों को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इशूज़ क्या हैं पाकिस्तान में इवन देन यहाँ पर मैं ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट एज ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी बट अपार्ट फ्राम पब्लिशिंग अ रिसाइकल वर्शन ऑफ प्रीवियस शिपिंग पॉलिसी नो प्रोडक्टिव एफर्ट हैज पाकिस्तान में इशू ये है कि पॉलिसीज़ यहाँ पर बन रही होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम यहाँ पर नहीं है पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट बेहतरीन पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे होते हैं या बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता एक इशू यह है नेक्स्ट सर्टन चैलेंजेस हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकनॉमिक वॉलीटिलिटी है डेथ ऑफ कंसिडरेबल मे मेरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऊपर हमने बात की मेरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं लिमिटेड नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग कैरियर्स हैं जो कि शिप बिल्डिंग का काम कर सकें सो सकेंस इसी तरह लेबर फोर्स हमारे स्किल्ड नहीं है फिशिंग से रिलेटेड जो ऑफिशियल इंडिविजुअल्स हैं उनकी एक्सपर्टीज वैसी नहीं जो चाहिए थर्ड रिएक्शनरी एंड फैक्टर लेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी पाकिस्तान में मेरी टाइम से रिलेटेड कोई खास पाकिस्तान को आइडिया नहीं कि कितना हम इससे बेनिफिट एक्वायर कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। फोर्थ इनबिलिटी टू कंसर्टेडली रैलिंग सपोर्ट फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ मेरी टाइम सेक्टर क्योंकि न्यू कोल्ड वॉर में जहाँ पे इंडिया को इंट्रोड्यूस करवाया है यूनाइटेड स्टेट्स ने एस बैलेंस अगेंस्ट चाइना तो जिसकी वजह से जो इंडियन ओशन है वो हाईली सिक्योरिटाइज मिलिटराइज हो रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंडायरेक्टली थ्रेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रेट्स है क्योंकि इंडिया ने आईएनएस अरिहंत अरिहान को इंडक किया है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया उनकी वजह से पाकिस्तान इन वन वे अदर पाकिस्तान को मेरी सेक्टर से सिक्योरिटाइज करने की जरूरत है पाकिस्तान को मेरी सेक्टर को सिक्योरिटाइज करने की जरूरत है क्योंकि चाइना को इंसर्कल करने के चक्कर में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो एलाइज हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी हर्ट कर सकते हैं अगर टाइमली इस सेक्टर को पाकिस्तान ने सिक्योरिटाइज नहीं किया तो नेक्स्ट नॉन एग्जिस्टेंट फिजिकल स्पेस टू फिनेंस एंड अपग्रेड दिस सेक्टर इन टैंड विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स शुरू में हमने बात की इकनॉमिक वॉलिटिलिटी होगी तो हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनली एबसेंस ऑफ टेक्निकल बेस या टेक्नोलॉजिकल बेस ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डिवलपमेंट एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी सेल्फ एक्सप्लेनिट्री पाकिस्तान में एक ट्वेंटी एटीन में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया था डी सी पॉलिसी इन ट्वेंटी एटीन जिसमें बात किताबी बातें थी कि हमने मेरी टाइम सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है ब्लू इकोनॉमी की तरफ हमने जाना है और अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हमने एक्सप्लोइड करना है लेकिन ये बातें डॉक्यूमेंट की हद तक ही लिमिटेड रहीं प्रैक्टिकली इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन और कोई मैनिफेस्टेशन हमें नज़र नहीं आई अभी तक तो पाकिस्तान में ये इशू है तो यहाँ पर मेंशन किया है फिशरीज इज फेडरल सब्जेक्ट वाइल्ड एक्वाकल्चर इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट एक इशू ये है कि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज एंड डिपार्टमेंट्स को हमने डिवाइड किया है बिटवीन फेडरल एंड प्रोविशियल गवर्नमेंट्स तो जिसकी वजह से कोई डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है पाकिस्तान में वो नहीं होता क्या रिकमेंडेशन है हमारे पास कि कैसे जो हैडविंग्स हैं या बोटरलैक्स हैं उनको कैसे पाकिस्तान नेविगेट कर सकता है तो पहली बात पोलिटिकल मेचोरिटी चाहिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी चाहिए सेकंड इंक्लूसिव एंड डिस पॉलिसी मेकिंग होगी उनकी सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन हमने करना है ताकि उन पॉलिसीज की वजह से जो आउटकम्स होंगे हम उनको विटनेस कर सकें थ्रू मेदर नेक्स्ट पॉलिसी कंटिन्यूएशन ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करें तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो पॉलिसीज़ को स्क्रेप एंड साइड लाइन किया जाए कंटिन्यूशन मस्ट है ऑनरशिप मस्ट है फोर्थ ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि मेरी सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है चाइना पाकिस्तान को एक्सपर्टीज ऑफर कर सकता है या पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाइना से एक्सपर्टीज रिक्वेस्ट लास्ट सिक्योरिटाइजिंग द टाइम सेक्टर जैसे कि कोल्ड वॉर की बात की कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस सेक्टर को सिक्योरिटाइज करें ताकि इन एन इवेंट ऑफ डायरेक्ट कंफ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स इट्स अलाइंस इन चाइना पाकिस्तान को ब्लॉकेट जैसे इश्यूज का सामना न करना पड़े इस वजह से अब टाइम आ गया कि हम मेरी सिक्योरिटी को हम सिक्योरिटाइज करें सो so, इस सीटिंग में हमें यह पता चला कि मेरी टाइम इकोनमी एक ऐसा कंसेप्शन है जिसमें हमने वाटर बॉडीज़ को जुडिशियसली एंड प्रॉपरली यूटिलाइज करना है फॉर ग्रेटर बेनिफिट्स इस कॉन्टेक्स में पाकिस्तान के पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं लेकिन पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग इशूज़ हैं नॉट ओनली पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकनॉमिक वॉल्टिलिटी पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को सही से एक्सप्लॉइड नहीं कर पा रहा